Hello, class 6. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 9, the living organisms and their surroundings. Jo living organisms hain, living organisms kaun se hote hain? Like plants and animals. Aur unke surroundings, jo aala dwaala hai, jo ird gird hai, jo aas paas hai unke, unke baare mein hum padhenge. So, let's start. On the earth, you can find living organisms everywhere. They can live on the high mountains and inside the deep oceans too. Not only the humans, but all the other animals, insects, reptiles, and even microorganisms, jo chote chote hote hai na, come in the category of living organisms. These minute, chote se organisms can be found in the body of animals, even in humans. Living organisms live in different places and change themselves according to that climate which is known as adaptation. Adaptation ka matlab hota hai, climate ke accordingly apne aap ko change kar lena. To mold yourself according to the conditions. All living organisms have their particular environment. They get adapted according to that environment. Our environment is made up of both living and non-living components. हमारे environment में दोनों components होते हैं. कौन से living components भी होते हैं और non-living components भी होते हैं. Ask yourself these questions. अपने आप को ये questions पूछिए. Can you live in isolation? क्या आप अकेला रह सकते हैं? मेरा जवाब तो नहीं होगा जी. What things do you need to survive? आपको क्या-क्या चाहिए survive करने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए? तो मेरे अकॉर्डिंगली होगा लाइक फूड चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, हमें क्लॉथ्स चाहिए, हमें और एयर चाहिए, वाटर चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए सरवाइव करने के लिए. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, एयर, वाटर, सोइल फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू सरवाइव. हर एक को क्या क्या चाहिए होता है? फूड, एयर, वाटर एंड सॉइल. ओके, these components are essential part of our surroundings. ये components बहुत important parts हैं हमारे surroundings के, and we cannot live without these. और इसके बगैर हम रह भी नहीं सकते. Everything, अब environment का मतलब क्या होता है? Everything that surrounds the living things, हर एक चीज जो living things के इर्द गिर्द है, and also affects their growth, उनकी growth और development के ऊपर असर डाल रही है, उसे हम environment बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Environment बोलेंगे. Next is habitat and its types. Habitat का मतलब होता है रहने की जगह, the living place of an organism. Natural surrounding, जहाँ पर कोई living organism रहे, उसे हम habitat बोलते हैं. Habitat provides an organism everything. हर एक चीज हैबिटेट में होनी चाहिए जो सरवाइव करने के लिए, ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन, आगे जनरेशंस बनाने के लिए, फ्लोरिश देयर लाइक व्हाट, फूड, शेल्टर, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, हैबिटेट ऑफ कैमल इज ड्राई सैंडी डेजर्ट. कैमल कहाँ रहती है? ड्राई सैंडी डेजर्ट में ना. अर्थवर्म्स लिव इन द मॉइस्ट सॉइल. अर्थवर्म रहता है गीली मिट्टी में. For a frog, it's a pond and a land too. Frog के लिए pond भी होना चाहिए और land दोनों होती हैं. And deer के लिए forest होता है. These all are their habitats. Every type of animals has its own habitat. हर एक अपना अपना habitat होता है. एक्टिविटी वन नंबर वन पे देखिए. टू आइडेंटिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स, फाइंड आउट अबाउट एनी टू प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग इन अ पॉन्ड. जैसे उन्होंने पॉन्ड के लिए एक कर रखा है फिश, आपने सेकेंड बनाना है. फॉरेस्ट में रहने वाले, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट और एनिमल्स के बारे में बनाना है. तो इन्होंने पहले पॉन्ड में रहने वाले एनिमल्स के बारे में एक एक बना दिया है और प्लांट के बारे में एक बना दिया है. एक आपको लिखना है, कोई एनिमल और कोई प्लांट. अभी मैंने आपको फ्रॉग बताया, वो पॉन्ड में रहता है, तो आप वहां पर वो लिख सकते हैं. सेम इज द केस, आपको बाकी बनाने हैं, लाइक आपको फॉरेस्ट में रहने वाले बनाने हैं, डेजर्ट में और माउंटेन में रहने वालों का, ये आपको एक ब्लॉक जो है ये तैयार करना होगा. ओके बेटा, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट की कौन सी टाइप्स हैं? दो तरीके के हैबिटेट्स हो सकते हैं. अब देखिए ना, मैंने आपसे क्या बात करी? मैंने आपसे बात करी या तो वॉटर
पॉन्ड वगैरह जैसे हो गया, वाटर हो गया ये. फॉरेस्ट जो है वो तो लैंड हो गई, डेजर्ट भी लैंड हो गई, माउंटेन भी लैंड हो गई. तो किस तरीके के हैबिटेट्स हो सकते हैं, या तो पानी वाले या फिर लैंड वाले. तो देखिए टू टाइप्स के हैं, लिविंग बींग्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर और ऑन ट्रीज. तो दो तरीके के हुए, कौन से, एक तो टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड वाले हों, एंड एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है जो वाटर वाले हों. सो लेट्स मूव ऑन टू टेरिस्ट्रियल. लैंड प्रोवाइड्स द बेस्ट लिविंग कंडीशंस टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है टेम्परेचर में, वाटर की अवेलेबिलिटी में. ड्यू टू दिस रीजन बहुत ज़्यादा वराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लैंड पे पाए जाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन लिविंग कंडीशंस, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को फर्दर फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. कौन सी, पहली डेजर्ट वाली, जहाँ पर हॉट और ड्राई होगा, राइट, बिकॉज वहां पर रेन बहुत कम होती है. ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रहने वाले हैं कैमल, रैट, स्नेक या कैक्टस, सिंगुलर कैक्टाई. ग्रासलैंड हैबिटेट, यहाँ पर मॉडरेट, ठीक ठीक बारिश होती है. यहाँ डियर, लॉयन, जीब्रास, जिराफ्स एंड ग्रासेस रहती हैं. रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ये हॉट होता है, वेट होता है और यहाँ पर बहुत बारिश होती है. यहाँ पर मंकीज, स्नेक, टाइगर्स और लार्ज वराइटी ऑफ ट्रीज पाए जाएंगे. नेक्स्ट इज पोलर हैबिटेट, ये बहुत कोल्ड होगा, स्नो के साथ ज़्यादातर कवर्ड रहेगा और यहाँ पर पोलर बियर्स, रेनडियर्स, पेंगुइन्स या कुछ कुछ ग्रासेस पाई जाएंगी. नेक्स्ट इज माउंटेन हैबिटेट, ये कोल्ड होगा, विंडी होगा, स्नोफॉल जो है यहाँ पर हायर माउंटेन्स पे ही होती है और यहाँ पर गोट्स, यक्स, शीप्स और पाइन ट्रीज पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑल अबाउट एक्वाटिक हैबिटेट, हैबिटेट जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स लिव इनसाइड द वॉटर, तो वो एक्वाटिक हैबिटेट होगा, जो फर्दर तीन टाइप्स में है, लाइक मैरीन हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड कोस्टल हैबिटेट. मैरीन हैबिटेट सॉल्ट वाटर हैबिटेट है, जो सीज और ओशंस में पाया जाएगा. यहाँ पर ज़्यादातर वेल्स, शार्क्स, सीवीड्स या सी टर्टल्स रहते हैं. फ्रेश वाटर हैबिटेट लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स वालों को बोलेंगे. यहाँ पर ज़्यादातर फिश, वाटर बर्ग्स, वाटर लिलीज या वाटर हाइकेंथ नाम के, ये वाटर लिलीज और वाटर हाइकेंथ नाम के प्लांट्स हैं, ओके, ये पाए जाएंगे. कोस्टल हैबिटेट्स, ये वो रीजन होता है जहाँ पर सी जो है वो लैंड से मिलती है. जो सी होगी, जो सी होगी वो जहाँ पर आके लैंड से मिलेगी, वो एरिए पे जो भी ग्रो करेगा वो कोस्टल हैबिटेट होगा. हैबिटेट सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रैब्स, ऑयस्टर्स या मैंग्रोव्स, ओके. तो ये थे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, जिनमें फर्दर टेरिस्ट्रियल में थे डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, पोलर एंड माउंटेन, और एक्वाटिक में था मैरीन, फ्रेश वाटर एंड कोस्टल हैबिटेट. आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.